मंगलवार की रात सीएम हाउस में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए मणिपुर के मामले में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये भी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के नेता मणिपुर की घटना को दबाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी राजस्थान का और कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी और हमारे प्रभारी आदरणीय हमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी सचिवगण, साथ ही हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण के साथ मीटिंग हुई और उसमें आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी उसके बारे में चर्चा हुई। सर, ये पीयूष गोयल भी आज राज्यसभा में वही बात दोहराया जो पीएम मोदी ने दोहराया था, और छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र करते हुए कि महिलाओं सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहाँ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला रहा है, तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ भी राज्यपाल थे, अभी मणिपुर के राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करिए और सुधार का प्रयास करना चाहिए।